सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों रक्षाबंधन आ गया है, सोमवार के दिन रक्षाबंधन है। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार हर भाई और बहन के लिए विशेष महत्व रखता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है। दोस्तों ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को और भी ज़्यादा गहरा कर देता है। जहाँ एक ओर भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है, वहीं दूसरी ओर बहनें भी अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। दोस्तों कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसे अगर आप इस दिन करते हैं तो ये माना जाता है कि आप जीवन में तरक्की करते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो दोस्तों जिन लोगों पर काल सर्प का दोष है, उन लोगों को पूर्णिमा के दिन, विशेष रूप से राखी पूर्णिमा के दिन, सर्प पूजन करें और चांदी की डिब्बी में शहद भर करके किसी वीरान जगह में गाड़ दें। जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच या शत्रु राशि में या खराब स्थान पर बैठा है, उन लोगों को काले पत्थर का एक चकोर टुकड़ा लेकर उस पर शनि यंत्र खड़िया से बनाइए और अपने ऊपर से 8 बार उतार कर कुएं में फेंक दें। ध्यान रखें फिर इस कुएं का पानी आपने कभी भी नहीं पीना है। अगर आपका राहु खराब है तो रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन 11 नारियल पानी वाले लेकर अपने ऊपर से उतार कर बहते हुए जल में बहा दें। दोस्तों ये उपाय राहु की दशा ठीक करने के लिए है। आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।